अर्ज करूं अजमाली राेलो सांभली जो हजू हरजी हालो देवरे हरजी हालो हरजी हालो देवरे ने परचारा मापी वठे दुखिया ने सुखिया करे हो बाबो साझा करे शरी हर जी ने तो हर मिला नियाड़े मार गया ओ जी पूजन ने दियो घोड़ लो ओ बाबा दूध पिवणी ने गा गेरी गेरी बिरखा भाया ते पाछा कयां जावो पाछा कयां जावो पाछा कयां गिरी गिरी बिरखा भाया अरे ते पाछा कयां जावो ते पाछा कयां जावो अरे ते पाछा कयां जावो ओ मन साची साची बात बतावो जीवो ये साची साची बाती बताओ जीवो ये गणी गणी कमारी कवरी अजमारा ये रुणी चिरा एक बार चाहता हूं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा ले सभी लोग और ताली बजाते हुए अरे रुणी चिरा दा चाहे लो सांभलो जीवो ये रुणी चिरा बाबा ये लो सांभलो जीवो गणी 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 खम्मा हो कवरी कजमाला बलिया जमाली घरे अमितारी की अलगो जावे जीवो ये पापी नुगरा तू अलगो जावे जीवो गणी 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 कम्मा हो कवरी अजमाल रूणी जी राजा जावे लो सांभलो जीवो ये गणी गणी कम्मा हो कवरी तपधारी ने क्या बात है आनंद हो थोड़ा मीठी मीठी ताली के साथ में सभी लोग भक्ति का आनंद लें क्या है बरसात रो मौसम है बहुत अच्छो जमारो होयो है किसान लोग अपने कांधे ऊपर हल धारियोड़ा है हाथों में बीजरी पोटलिया लियोड़ा है और अपने खेतों की तरफ जा रिया है और सामो गांवरा ठाकुर साहब अजमाल जी आया तो अजमाल जी ने जो ही मुंडो देखियो तो वे किसान लोग बड़ा उदास हो गया अपने हाथों में बीजरी पोटलिया ने जमीन पर फेंक दी पाछा अपने घरों की तरफ रवाना हो गया अजमाल जी ने बड़ो आश्चर्य दियो बोले हे कृषक लोगों हे काश्तकारों गहरी गहरी बिरका है भाया के पाछा कहीं जाओ माने साची साची बात बताओ अच्छो जमारो होयो है अच्छी बरसात है आप लोग खेत में जाओला
बीज बोला अच्छी फसल री पैदावार वेला आपने चार पयारी मजूरी है आप घरे क्यों जा रहे हो। सब लोग घुटना टेकन बैठ गया। अजमाल जी महाराज क्षत्रिय गावरा ठाकुर था तो किन्नी बोलने री हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक बुजुर्ग बार एक बुजुर्ग किसान वे अजमाल जी सो हाथ जोड़न बोलिया के ठाकुर साहब खमा गणी है। थे तो अजमल जी बीरा अरे बाजिया कही जो वो थे तो अजमल जी बीरा अरे बाजिया कही जो मरा सुगन खराब घना होया जीवो ये सुगन खराब घना होया जीवो गणी 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 खम्मा वो कबरी अजमाला ए त्वारी करा ए त्वारी करा राजा हेलो सांभळो जीवो ए गणी गणी खम्मा मारा त्वारी करा नाथ ने जी घर में संतान सुख नहीं है और मैं आप रो मुंडो देख गयो मोरो तो दिन खराब हो गयो अबे जाऊं ला तो भी मारी मेहनत खराब हो जाला। अजमाल जी महाराज ने बात रो बड़ो दुख होयो बोझिल कदमा सो धीरे 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 महल में आया तो रानी मैना ने पूछो कि अजमाल जी कई बात है इतना दुखी क्यों हो। अजमाल जी बोलिया अरे बांझियो केवे ने मारो मुंडो कोनी देखे बांझियो केवे आपाने अरे बांझियो केवे आपाने मुंडो कोनी देखे मैं तो एड़ा काई पापी कमाया जीवो ये एड़ा काई पापी कमाया जीवो ये घनी घनी खम्मा हो कवरी अजमालरा रूणी जी राजा जाहे लो सांभळो जीवो प्रताप नगर राजा जाहे लो सांभळो जीवो ए घणी घणी खम्मा मारा द्वारिकारा नाथ ने जी। देखो कोई कोई भगत लोग ताली बजा रहा है, कोई कोई जय बोल रहा है, कोई कोई आनंद ले रहा है और कई कई भक्त लोग तो यूं बैठा है एडो लाग रियो है जाने कोई कचेड़ी के बारे हड़ताल में तो बैठा ही। हमारी मांगे रोड नहीं तो टोल नहीं। हाँ और कई कई लोग मोरे हमें इतना गौरू देख रहा है कि ये बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जाने बाहुबली टू देख रहा। तो आज की जो रात्रि है भाई साहब ये आनंद लेने की है। आप देख रहे हो एक दो तीन और ड्रोन कैमरे चार चार कैमरे से शूटिंग हो रही है। पीआरजी की पूरी टीम लगी हुई है और आने वाला दो चार दिन बाद में कई वेला पूरा कार्यक्रम जो है आप सभी लोगों रे फोन में आ जाला यूट्यूब माते आप लोग सर्च करो ला नहीं जिनगर समाज बाबा रामदेव विकास सेवा समिति 2022 की भक्ति आप सब लोगों का चेहरा आवेला और उन्हें बाद में वेला कही उन्हें पच्चे वेला कही आप लोग स्क्रोल आगे बैठा वाला फॉरवर्ड रिवर्स मैं कट बैठो हाँ मैं कट बैठी हूं। ओहो इतना भगत नाचिया मैं तो लाओ ही नहीं लियो मैं ला रही हूँ। हाँ तो फिर पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो अभी तक अपने हाथ में है तो उसका आनंद लेना एक बार दोनों हाथों को उठा करके बोली राम सा पीर की जय हो। पुजारी बताते कठे द्वारिका रो नाथ है अवा। रानी मैना दे बोली कि अजमाल जी आप चिंता ना करो जिसका कोई नहीं होता उसका परमपिता परमेश्वर होता है
आप ठाकुर जी की शरण में जाओ, बटे भगवान आपरो हेलो जरूर सुनेला। अजमाल जी गया, एक वर्ष गया, झोली नहीं भरी जी, दोबारा गया, तीन बार गया, चार बार गया, पांच बार गया, करता करता अजमाल जी महाराज 11 साल तक गया द्वारकाधीश नगरी, लेकिन अजमाल जी ने झोली नहीं भरी जी, निराश हो गया। मैना दे फिर हिम्मत बंधाई अपने पति देव ने कि अजमाल आप चिंता ना करो, मारे कहने से आप एक बार और जाओ, इन बार भगवान आपको हेलो जरूर सुने ला। बातरी रो एक लाडू बनायो, प्रसादी लाडूरी ले, अजमाल जी फिर आया ठाकुर जी की शरण में और मूर्ति रे सामे सामे खड़ा हो गया और मूर्ति से भक्त और भगवान के बीच की बात चल रही है। पूरी द्वारिका मैं नहीं बसता ना काशी कैलाश में, अरे वचन हमारा सच कर मानो, मैं बसता विश्वास में। अब देखिए अजमाल जी महाराज ने मूर्ति से बात कर दिया है, हाथी जोड़ने अर्ज करू जी, हाथी जोड़ने अर्ज करू जी, आयो थारे बारणे आ दुनिया माने मैना बोले एकटा परने कारणे, आ दुनिया बाबा मूसा बोले एकटा परने कारणे, हाथ जोड़ने अर्ज करू जी, हाथ जोड़ने अर्ज करू जी, आयो थारे बारणे दुनिया माने मैना बोले एकटा परने कारणे, दुनिया बाबा मूसा बोले एकटा परने कारणे। केवे अजमल सुनो सावरा तिरो मत बन रे मुजी, केवे अजमल सुनो सावरा तिरो मत बन रे मुजी, एक टबरियो मने देवो तो नहीं खते थारी पूजी, नहीं सुनो ला विघन करूला, नहीं सुनो ला तो विघन करूला, आयो घर सुधार ले अरे दुनिया माने मैना बोले एकता भर ने कारणे, आ दुनिया माने मूसा बोले एकता भर ने कारणे, दिलीप जी वैसा सोइया का हार्दिक अभिवादन अभिनंदन। मने देवोला तो नहीं घटेला थारी पूंजी, मारे आंगणे में भी अगर एक पालनो आप झुला दोला बाबा तो आप रो कोई खजानो खाली नहीं बिजायला। अब मूर्ति सु बाता करता थे क्या, और पंडित जी आया, पंडित के वो गेलो गुणे भगवान नु बाता कर रियो, पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्तिया के काई लड़ो, पंडित बोलियो सुनो तू मिलनो देखो सागरिया में कूद पड़ो, इन सागर पीपा जिन मिलिया, इन सागर पीपा जिन मिलिया चार भुजा धार ने, अरे दुनिया माने मैना बोले एकटा भर ने कारणे, दुनिया बाबा मूसा बोले एकटा भर ने कारणे, सुनिएगा। पंडित आया, पंडित बोलियो सुनो ठाकरा इन मूर्ति राके कहीं लड़ो, अजमाल जी के मूर्ति मारा भगवान है ने, मैं बात कर रही हूं भाई, आप रे कहीं परेशानी है,
वो बोले इनमें भगवान कौन है मूर्ति में? बारे हाल बोले भगवान नहीं है क्या? हाँ क्षत्रिय था, थोड़ा खून में उबाल ज्यादा हो, तलवार निकाल दी बारे ने पंडित री गुद्दी पकड़ ली कि अगर मूर्ति में भगवान नहीं है तो तू झालर संघ नगारा या जोता होता क्यों, लोगों ने क्यों केला बनावे? अगर मूर्ति में नहीं है तो तू मैंने बता भगवान करे नहीं तो धन मार दू, जान तू खत्म कर दूला। पंडित ने दूजो कोई जवाब हुजियो को नहीं, और अगर बाप जी ने सीर सागर में कूद जाओ, आइन दरिया में भगवान है कूद जाओ, मारो पीछो छोड़ो बाप जी, खमा गणी कूद जाओ इनमें। इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार भुजा धारणे, अगर पीपा जी ने मिलिया तो आपने भी जरूर मिल जाए, आप तो कूदो। अब देखिए सीन क्या है, अजमाल जी महाराज उन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, एक तरफ दरिया है, एक तरफ भगवान की प्रतिमा है, अजमाल जी हाथ में लाडू है प्रसादी रो। अब मन में सोच रहा है कि कूदूं कि नहीं कूदूं, कूदूं कि नहीं कूदूं, मन में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो। तो एक बार फिर मुड़ नहीं हूं, ठाकुर जी ने मूर्ति ने देखी, तो जो ही मूर्ति ने देखी है तो वह जो मूर्ति थी भाई साहब देखिए दुनिया में, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अरे बहुत धन्यवाद भाभी, ऐसा मैंने क्या कर दिया, इसी लायक हूं नहीं मैं। बोलिया कि दुनिया में जब तक चमत्कार नहीं होता भाई साहब तब तक नमस्कार नहीं होता। ठाकुर जी की मूर्ति ने तो अजमाल जी जो ही देखियो तो वह मूर्ति हंसती नजर आई है, अजमाल जी ने वह मूर्ति मुस्कुराती नजर आई है। तो फिर अजमाल जी महाराज ने गुस्सा आई गयो, एक तो मैं 12-12 साल थारे दरबार में आ रही हूं और पंडित के वे थार में है ही नहीं भगवान, और तू फिर हंस रही हो मार माते। तो वह बाजरा लाडू जो प्रसादी थी वह ठाकुर जी ने मूर्ति ने मार दी। इतनी बात सुनी अजमल जी सागरिया में कूद पड़ा, इतनी बात सुनी अजमल जी सागरिया में कूद पड़ा, सोने रानो महल देखिया हीरा पन्ना खूब चढ़ा, आए सांवरे दर्शन दीना, आए सांवरे दर्शन दीना, सिर पर पट्टी बांध रे, बाबा के दर्शन हो गए। एक बार ताली बजाते हुए दुनिया माने मैणा बोले एकता भरने कारण, आ दुनिया माने मैणा देवे एकता भरने कारण, तो सागरिया में कूद पड़ा, कूद पड़ा, कूद पड़ा, सोने रा तो मैंने महल देखिया और हीरा पन्ना खूब चढ़िया, आए सांवरे दर्शन दीना, सिर पर पट्टी बांध रे, भगवान रा दर्शन करिया सीर सागर में। शेष नागरी सैया ऊपर भगवान श्री विष्णु लेटोड़ा है, लक्ष्मी जी चरण कमल दबारिया है, अजमाल जी महाराज भगवान ने दंडोत प्रणाम करिया, हाथ जोड़े बोलिया कि प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, मैं तो न्याल भी हो, लेकिन हे भगवान आपका दर्शन लिया मैं न्याल हो गयो प्रभु, परंतु मारे मन में एक छोटी सी शंका है। भगवान के बोलो अजमान क्या शंका है? बोले कि भगवान इन पूरी सृष्टि का रचयिता आप हो, सर्वशक्तिमान आप हो, इतना ताकतवर आप हो, मन सबरा पालनहार आप हो प्रभु, तो आप रे माता माते रक्त री धारा की कर फूटी है, आप रे माता माते ओ लहू की कर बह रही है। भगवान मुस्कुराया बोले अजमान थारे जेड़ा भोला भगत घना है दुनिया में, कोई एक भगत मारे लाडू लड़ी मार दिए। ओ हो अजमान जी ने चेतावे भगवान आई एम सॉरी, वो बारे में मूर्ति ने मारी थी बाप जी आप रखी कर लागी। वो गए अजमाल यदि उन मूर्ति में मारो वास नहीं बहनी तो लाखों करोड़ों की तादाद में भक्त लोग मारे ऊपर इतना विश्वास करे, मारे दरबार में प्रति वर्ष आवे, मैं मारा हर भक्त रे हाथ रे हजूर उबो। अब अजमाल जी कहे कि भगवान अबे लोगों रहे मोसा बोल मारू तो नहीं उड़ी से, मैं उन दुनिया में नहीं जाऊंगा जब तक आप मैंने वचन नहीं दो, लोग मैंने बांझियो बांझियो कहे,
जदों शीर सागर में भगवान श्री विष्णु अजमाल जी महाराज ने वचन दियो कि अजमाल तू चिंता ना कर भादुरारी दूजरा जद चंदो करीला प्रकाश मीरा में देव बन आवसू तू राखी जे विश्वास पहलो टावर थारे जन्म सी बिनो धरजे विरम देना और दू जोड़ो मैं खुद आऊला मारो धरजे राम देना। भगवान भी एक मिस्टेक होगी, भगवान बोलेगा अजमाल जा जा तारे पहलो विरम दे देना। अजमाल जी महाराज उन बात पकड़ ली कि भगवान अगर पहलो विरम दे वेला तो दूसरो गुण वेला। अरे कहने नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि नहीं भगवान पहलो अगर है तो दूसरो भी कोई वेला दूजो कौन है। जब भगवान श्री विष्णु अजमाल जी ने बोलिया कि मैं थारे आंगणे में आऊंगा और जितो भी मेल में पानी वेला उनो दूध हो जाएगा आंगणे में कंकुरा पगलिया मंडियाला आ मारी आनेरी सेलानी है अजमाल। और वर्षिक सटी वो मास पाती वो नयो चांद जद उगेला वर्षिक सटी वो मास पाती वो नयो चांद जद उगेला सुन रे अजमल थारा आंगणे दो दो टाबर झूलेला पानी रो तो दूध बनेला पानी रो सब दूध बनेला कंकु पगल्या आंगणे दुनिया मोसा बोले एक टावर रे कारणे दुनिया बाबा मोसा बोले एक टावर रे कारणे हो इन प्रकार सो विक्रम संवत 1461वीं साल अजमाल जी महाराज बाड़मेर जिला रा ऊंडू कावेर गांव ऊंडू कश्मीर में और जैसलमेर जिला रा गांव रणुचा में बाबा रामदेव जी महाराज अवतरित होया है। अंत में भक्त लोग बोलिया है अजमल घर अवतार लिया है मंडली चरणी बाबा राखो तेरी परिहात जी बेगा आई जो ना तेरे लगाई जो बेगा आई जो ना तेरे लगाई जो भगतारे हितकारिणे अरे दुनिया माने मैना भोले बाबा एक टापर रे कारण ये दुनिया माने मूसा भोले एकटा पर रे कारण कारण हो बाबा पद सारी गारी समागरे पद सारी गारी सा सारी गामा मदन पा सारी गामा मदन पा सारी धनी का पद पा पा गद सारी का नी का पा पा मा पा मा गद गम गम गम
एक टाबर रे कारणियो दुनिया माने मेना बोले बाबा एक टाबर रे कारणे दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जयकारा करें बोली रामदेव जी महाराज की प्रकाशेश्वर महादेव की जय हो जय हो।